अपनी एल्गो स्वयं बनाए, खुद बने अपने एडवाइजर। आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप खुद अपने एल्गो सेटअप बना सकते हैं एलाइज ब्लू में। पहले जाइए ट्रेड स्टोर पर, फिर चार्ट ब्रिज सेलेक्ट करिए, लॉगिन करें अपने आईडी पासवर्ड से, डाउनलोड करिए चार्ट ब्रिज। क्या आप जानते हैं वॉलेटाइल मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है? जी हाँ, अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल मार्केट को और वॉलेटाइल मार्केट को, तो वॉलेटाइल मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेना ज़्यादा आसान होता है। आज के सेशन में मैं आपको यही बताऊंगा क्यों वॉलेटाइल मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है वॉलेटाइल मार्केट में, क्या होती है सिस्टम ट्रेडिंग और आप इसे कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर स्लिपेज को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिस्क आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, पोजीशन आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सभी मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा। आपसे विनती है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो का कंटेंट सौरभ जी के वेबिनार से लिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह की टिप्स, कॉल या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं दूंगा। वॉलेटाइल मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, द ग्रेटेस्ट ट्रेड एवर। इसे पढ़कर आप समझ पाएंगे कि क्यों वॉलेटाइल मार्केट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है और कैसे जॉन पॉलसन ने आज तक का सबसे बड़ा ट्रेड किया था इस टाइम में, और फाइनेंशियल हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग तकरीबन $15 बिलियन का ट्रेड था। आप सभी को पता होगा मार्केट में जितना मूवमेंट ज़्यादा होगा उतनी ही एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेडर को प्रॉफिट बुक करने के लिए। उदाहरण के लिए अगर मार्केट 10% मूव करता है तो संभावना है कि 10% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, और यही अगर मार्केट 1% मूव करता है तो आपकी संभावना है कि 1% ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी करंट प्राइस हम एक स्टॉक का 100 रुपये ले लेते हैं, अगर पूरे दिन आज की मूवमेंट 1% रही तो इसका मतलब वो 101 रुपये हो सकता है या 99 रुपये हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट बुक की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपकी कम है काफ़ी। बट अगर यही स्टॉक 10% तक मूव करता है, सपोज प्राइस हम लेते हैं 110 या 90 रुपये तक में ये मूव करता है, तो इसके लिए आपके पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप 10 रुपये तक का इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप ये चार्ट देख सकते हैं 2009 के रिसेशन के समय का, कि मार्केट में कितना मूवमेंट हुआ था, और ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को शो करता है प्रॉफिट बुक करने के लिए। और मैं आपको विक्स चार्ट भी दिखाता हूँ जिससे आप और आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था इस टाइम पीरियड में एंड ये कब तक चला। कोरोना वायरस टेम्प्रेरी नहीं है जो कि कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। जब तक किसका कोई वैक्सीन नहीं बनता तब तक मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, और वैक्सीन को बनने में ऑलमोस्ट 12-14 मंथ लगेंगे नेक्स्ट। तो हम कह सकते हैं कि आने वाला समय अभी काफ़ी समय तक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसे बड़ी समस्या क्या आती है वॉलेटाइल मार्केट में। तो इनमें सबसे पहले दो टॉपिक हैं हमारे, निर्णय लेने में लगने वाला समय और इमोशंस। निर्णय लेने में लगने वाला समय से मतलब है कि आपने जब सोचा कि मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, सपोज करते हैं आपने एक स्टॉक 100 रुपये में बाय करने की सोची, बट जब तक आपने इसे बाय करने के लिए आपने बटन पे क्लिक किया तब तक की प्राइस 100 रुपये 50 पैसे हो चुकी, तो उसमें 50 पैसे का आपका स्लिपेज हो गया। ऐसे ही इमोशन से मेरा मतलब है आपने एक स्टॉक बाय किया और आप अभी लॉस में हैं, तो आप सोचेंगे क्या मैं अभी होल्ड करूं इसे, पोजीशन को निकाल दूं या थोड़ा वेट कर लेता हूं। तो ऐसे ही आप इमोशन की वजह से कई बार अपना नुकसान करवा लेते हैं अनियमित होने की वजह से। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या होती है सिस्टम ट्रेडिंग और आप इसे कैसे कर सकते हैं? सिस्टम ट्रेडिंग के 4 मुख्य कॉम्पोनेंट हैं, बाय सेल लॉजिक, ऑर्डर स्लिपेज मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजिशन मैनेजमेंट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बाय सेल लॉजिक सिर्फ आपके पूरे सिस्टम ट्रेडिंग में 30% होता है, इसी तरीके से स्लिपेज मैनेजमेंट वो आपका 20% होता है, पोजीशन मैनेजमेंट आपका 20% होता है, एंड आपका रिस्क मैनेजमेंट 30% होता है। सिस्टम ट्रेडिंग में बाय सेल लॉजिक सिर्फ आपका 30% होता है, 70% आपका होता है कि आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं,
कैसे आप पोजीशन मैनेज कर रहे हैं अपनी, कैसे स्लिपेज को मैनेज कर रहे हैं। चलिए अब इन्हें हम समझते हैं ऑर्डर स्लिपेज मैनेजमेंट क्या होता है और इसके क्या कारण है, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। सपोज करिए आपने निफ्टी को बाय करने का निर्णय लिया 9000 पॉइंट पे, बट जब आपने एक्चुअल में सिर्फ ट्रेड किया तब तक इसका प्राइस 9010 रुपये 9010 रुपीज़ हो गया था। तो इस केस में आपका 10 रुपये का स्लिपेज हुआ, जो आपका एक्चुअल ट्रेड और जब आपने डिसाइड किया था कि आपको बाय करना है, इनका गैप ही स्लिपेज कहलाता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपने 100 रुपये में एक स्टॉक बाय किया एंड आपने उसका SL 99 पर रखा, बट जैसे ही आपका सेल प्राइस 99 पे पहुंचा, ट्रिगर हुआ और इसने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, तब तक इसका प्राइस 98.50 हो गया। इसका मतलब है कि आपका 0.50 का आपका स्लिपेज हो गया। ऐसे ही अगर आप दिन में 5 ट्रेड करते हैं, जिसका मतलब आप 10 ऑर्डर भेज रहे हैं आगे, तो इस हिसाब से स्लिपेज पर ऑर्डर 0.2% होगा। इस तरीके से आप 2% पर डे पे आप लूज कर रहे हैं। अगर इसको हम लॉन्ग टर्म में देखें पर ईयर में, तो आप काफ़ी बड़ा अमाउंट अपना लूज कर रहे हैं स्लिपेज के कारण। अब हम समझते हैं स्लिपेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है टाइम वेस्ट करना मैनुअल ऑर्डर प्लेस करने में। मैनुअल ऑर्डर प्लेस करते समय पहले आप ऑर्डर डिटेल्स डालेंगे, आपको बाय सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, इन सबको डिफाइन करने में ही आपका काफ़ी समय चले जाएगा। जिसके कारण जब आपने सोचा था कि मैं 100 रुपये में बाय करूंगा और जब तक आपने बाय किया उसकी प्राइस 101 हो सकती है, 99 हो सकती है, जिसके कारण आपका स्लिपेज बढ़ सकता है आसानी से। एंड सेकेंड हमारा है आपका इमोशन कि मैं रिस्क और बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आगे प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ा लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एग्जिट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं बाय करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं सेल करना चाहता हूँ, यहाँ शॉर्ट करना चाहता हूँ। इमोशन के कारण भी स्लिपेज काफ़ी बढ़ सकता है। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। नेटवर्क इशू, इंटरनेट लेटेंसी, आपके डाटा फीडर का इनएक्यूरेट होना, ऑर्डर प्लेसमेंट में लगने वाला समय, हम स्लिपेज को काफ़ी कम कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू अलर्ट के द्वारा और API ब्रिज को यूज़ करके। सबसे पहले हम API ब्रिज को समझ लेते हैं, API ब्रिज किस तरीके से वर्क करता है। तो API ब्रिज का जो वर्क फ्लो है, ये आपके सबसे पहले चार्टिंग प्लेटफॉर्म से सिग्नल लेगा आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। इसके बाद API ब्रिज में आपने ऑर्डर मैनेजमेंट रूल्स क्या सेट कर रखे हैं, रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या है स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के अनुसार, ये सारे सिग्नल इंप्लीमेंट करके आपके ब्रोकर टर्मिनल पे भेज देता है और वहाँ पर फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। और इस पूरे ऑर्डर प्लेसमेंट में मात्र आपको 200 मिलीसेकंड का समय लगता है, जिसको हम कह सकते हैं 1 सेकंड का 5वां भाग। तो चलिए अब हम समझते हैं किस प्रकार आप प्रैक्टिकली स्लिपेज को कम कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू अलर्ट और API ब्रिज को यूज़ करके। तो चलिए हम पहले देखते हैं किस प्रकार आप डिस्क्रिशनरी ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू और API ब्रिज को यूज करके। डिस्क्रिशनरी ट्रेड में आप ट्रेंड लाइन के द्वारा आप ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस अलर्ट के द्वारा ट्रेड कर सकते हैं, इंडिकेटर अलर्ट के द्वारा ट्रेड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे किस प्रकार आप ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेंड लाइन अलर्ट लगा के ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करके इसके ऊपर एक अलर्ट लगा देता हूँ। जैसे ही एक अलर्ट ट्रिगर होगा, API ब्रिज पे सिग्नल चले जाएगा एंड ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन बना चुका हूँ। अब मैं इस पर एक अलर्ट सेट करता हूँ। अलर्ट के मैसेज बॉक्स में मेरे को क्या कौन सा ऑर्डर लेना है, लॉन्ग एंट्री लेना है, शॉर्ट एंट्री लेना है, मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट एंट्री ले रहा हूँ। अब जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होगा, शॉर्ट एंट्री का सिग्नल API ब्रिज पर चले जाएगा और उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि शॉर्ट एंट्री का मेरा सिग्नल है एंड प्राइसिंग जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग। इसी प्रकार मैं प्राइस अलर्ट भी लगा सकता हूँ। तो आप इस ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर चलते हैं। हम अब इस क्लॉक आइकन पे आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल है, निफ्टी है मेरा, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू के साइड में जो कॉलम है इसमें मैं प्राइस डाल देता हूँ कि कब मेरे को अपना अलर्ट ट्रिगर करना है। अब मैसेज बॉक्स में मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मेरे को कौन सा ऑर्डर लेना है, लॉन्ग या शॉर्ट लेना है। तो यहाँ पर टाइप लॉन्ग एंट्री, तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग एंट्री के लिए LE टाइप कर दिया यहाँ पर। अब जैसे ही ये अलर्ट ट्रिगर होगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, आप API ब्रिज पे चेक कर सकते हैं इसे। देखिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है लॉन्ग एंट्री, एंड आप इसमें डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं क्या क्या ऑर्डर्स डिटेल्स हैं हमारे पास। आप इसमें ऑटोमेटिक अलर्ट भी लगा सकते हैं, जैसे प्राइस पैटर्न के आधार पर, लाइक ORB, प्रीवियस डे हाई लो, कैंडल पैटर्न के आधार पर आप अलर्ट लगा सकते हैं। और जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होंगे, ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे आपके अकाउंट में। तो सबसे पहले हम ORB अलर्ट सेट करते हैं। अब यहाँ पे आप अलर्ट सेट कर सकते हैं एंड मैसेज बॉक्स में आपको टाइप करना है अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लॉन्ग एंट्री के लिए LE, अगर आप
सेल करना चाहते हैं तो शॉर्ट एंट्री के लिए आपको SE टाइप करना है, दैट्स इट। एंड जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होगा आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसी प्रकार आप डे हाई डे लो के आधार पे भी अलर्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर पे चलते हैं एंड यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी सर्च करते हैं, डे हाई और लो। आप इनमें से काफ़ी सारी हज़ारों यहाँ पे आपको फ्री स्ट्रैटेजी मिल सकती है, आप इनको किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू की एक खासियत है, इसमें आपको काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी पहले से इनबिल्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं डे हाई डे लो का यहाँ पे स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर देता हूँ और इसके आधार पे अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अलर्ट सेट कर सकता हूँ एंड जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होगा मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसी प्रकार आप ADX इंडिकेटर से आप प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ के आधार पर भी अलर्ट लगा सकते हैं। इनमें से आप किसी भी स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके आधार पर आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ADX लगा चुका हूँ, तो आप यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एंड अलर्ट पे जाके आप इसे सेट कर सकते हैं। ADX ट्रेंड के अकॉर्डिंग और पैरामीटर्स होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं और जैसे ही आपका क्राइटेरिया फुलफिल होगा आपका अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा एंड ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जो ट्रेडिंग व्यू के एडवांस यूजर हैं वो ट्रेडिंग व्यू पे उपलब्ध काफ़ी सारी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर वो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज स्ट्रेटजी बना सकते हैं कोड करके पाइन स्क्रिप्ट में, जिससे वो ऑटोमेट ट्रेड भी कर सकते हैं इस API ब्रिज के थ्रू। ट्रेडिंग व्यू से आप NSE डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड कर सकते हैं एंड MCX में भी ट्रेड कर सकते हैं। आप ट्रेंड, मोमेंटम स्ट्रेटजी, प्राइस पैटर्न, इंडिकेटर के आधार पर ट्रेड कर सकते हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, डेरिवेटिव प्राइस, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के आधार पर भी ट्रेड कर सकते हैं। इवन आप ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर डायरेक्टली आप ट्रेडिंग व्यू से ले सकते हैं, आपकी जो डिटेल्स है API ब्रिज के थ्रू आपके ब्रोकर अकाउंट पे चली जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं US ऑयल के बेस्ड पे मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनपुट सिंबल में मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल डालता हूँ एंड एक्सचेंज सिंबल भी मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल डालता हूँ एंड इंस्ट्रूमेंट मेरा हो जाएगा कॉमोडिटी के लिए फुटकॉम है, फ्यूचर कॉमोडिटी। API ब्रिज में इस प्रकार आप सिंबल ऐड करके अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आप ये सिंबल ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स डाल सकते हैं आप, आपका ऑर्डर टाइप क्या होगा, मार्केट से लेना चाहते हैं ऑर्डर टाइप, लिमिट है आपका, स्टॉप लॉस लिमिट है, स्टॉप लॉस मार्केट है, क्वांटिटी कितनी आप देना चाहते हैं। इस प्रकार आप स्केल इन स्केल आउट भी कर सकते हैं डायरेक्टली आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट टाइप आपका क्या रहेगा, क्या आप इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ब्रैकेट ऑर्डर सेंड करना चाह रहे हैं, कवर ऑर्डर सेंड करना चाह रहे हैं, ये सारा आप ब्रिज में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में ब्रैकेट ऑर्डर सेंड करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे कैंडल पैटर्न के आधार पर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर पे जाते हैं। अब इंडिकेटर में यहाँ पे मैं कैंडल पैटर्न सर्च करता हूँ। अब कैंडल पैटर्न के आधार पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ एंड जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होगा मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ मैं। अब तो मैं यहाँ पे अलर्ट सेट कर लेता हूँ अब यहाँ पे एंड मैसेज बॉक्स में जो ब्रैकेट ऑर्डर लिए हमें डिटेल्स चाहिए मैं वो डिटेल्स डाल देता हूँ, जैसे कि सिंबल नेम, टाइप, प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, मैं ये सारी वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ एंड जैसे ही मेरा अलर्ट ट्रिगर होगा ये सारी वैल्यू API ब्रिज के थ्रू अकाउंट पे चली जाएंगी। तो हमारा अब अलर्ट सेट हो चुका है एंड यहाँ पे देखिए जैसे अलर्ट ट्रिगर हुआ यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी है API ब्रिज पे
एंड हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं ट्रेड हिस्ट्री के अंदर हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ऑर्डर टाइप हमारा BU है। और आप डायरेक्टली ट्रेंड लाइन अलर्ट के साथ भी ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर 3 ट्रेंड लाइन अलर्ट लगा देता हूँ जो इस प्रकार होंगे, पहला मेरा एंट्री लाइन, सेकंड स्टॉप लॉस एंड थर्ड मेरा टारगेट लाइन। जैसे ही मेरा टारगेट ट्रिगर होगा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और फिर अगर स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट हिट हो तो मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी लॉन्ग एंट्री आ चुकी है। अब जैसे ही अगर मेरा टारगेट या मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। आप API ब्रिज एक्सटेंशन की हेल्प से भी डायरेक्टली ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बटन की सहायता से। सिर्फ आपको इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट का परसेंट वैल्यू डालना होगा, और से आपको अगर आप बाय करना है तो लॉन्ग एंट्री पे आपको क्लिक करना है LE बटन पे, अगर आपको शॉर्ट करना है तो SE बटन पे क्लिक करना है आपको सिर्फ। तो आप बटन देख सकते हैं LE, LX, SE, SX। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से मेरा मतलब है किस प्रकार आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। वॉलेटाइल मार्केट में आप हमेशा स्टॉप लॉस को वोलाटिलिटी के आधार पर लगाएं या ATR के आधार पर लगाएं। वोलाटिलिटी के समय कभी भी SL परसेंटेज में ना लें और ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ करें, जैसे सुपर ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड के अकॉर्डिंग। वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड आप हमेशा लेस क्वांटिटी के साथ करें, या फिर आप जितना रिस्क ले सकते हैं पर क्वांटिटी पर उसके अकॉर्डिंग आप करें। तो इसके लिए API ब्रिज में एक स्पेशल फीचर्स हैं कि आप क्वांटिटी को एज पर योर रिस्क और स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। API ब्रिज में पर क्वांटिटी पे आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं ये आप डिफाइन कर सकते हैं, एंड आपका लॉट साइज क्या होगा उसको आप मेंशन करके जो भी आपकी स्टॉप लॉस वैल्यू होगी उससे कैलकुलेट होके API ब्रिज उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी आपके ब्रोकर टर्मिनल पे भेज देगा एंड ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। इसी प्रकार API ब्रिज में काफ़ी सारे रिस्क मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, जैसे आप पर मिनट पे कितने ट्रेड करना चाहते हैं, मैक्सिमम पर डे आप कितना ट्रेड करना चाहते हैं, डेली मैक्स लॉस आपका क्या होगा, और तो आप इसके अंदर कुछ सिग्नल्स रूल्स हैं जो कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सेम सिग्नल कई बार आ चुके हैं फॉल्टी स्ट्रेटजी या सिस्टम के फॉल्ट होने की वजह से, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही पोजीशन है, अगर आपके फॉल्टी स्ट्रेटजी के कारण एक और सिग्नल आता है तो ये उसको वहाँ पे इग्नोर कर देगा। इस तरह के काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स हैं API ब्रिज के अंदर जिसे आप रिस्क मैनेजमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाय सेल लॉजिक। सिस्टम ट्रेडिंग में बाय सेल लॉजिक 30% होता है। बाय सेल लॉजिक के अंदर आपको डिफाइन करना होता है कि कब आप बाय करेंगे, कब आप सेल करेंगे, आपका लॉस लिमिट कितना होगा, आपका स्टॉप लॉस कब लगेगा, ये सब मिलाकर आपका बाय सेल लॉजिक बनता है। और जब मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो तो कभी भी आपको सिस्टम ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए उस टाइम। इसी प्रकार आप हमेशा जब आप वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो सिस्टम ट्रेडिंग के थ्रू, तो आप हमेशा इंडिकेटर का यूज़ करें और शॉर्टर टाइम पीरियड का यूज़ करें इंडिकेटर में। हमेशा ट्रेंड फिल्टर का अवॉइड करें हमेशा। आप हमेशा लॉन्ग या शॉर्ट एंट्री से ही ट्रेड करें। मोमेंटम इंडिकेटर से ऑस्किलेटर, गैप पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न इनका इस्तेमाल करें। ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ करें, जैसे एवरेज हो गया हमारा, बोलिंजर बैंड, बैंड, सुपर ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड, इनके अकॉर्डिंग ही आप वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करें सिस्टम ट्रेडिंग के थ्रू। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, पोजिशन मैनेजमेंट। पोजिशन मैनेजमेंट में आप मल्टीपल टारगेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप जैसे स्केल इन करना चाहते हैं, स्केल आउट करना चाहते हैं, फर्स्ट टारगेट पे आप 50% क्वांटिटी भेजना चाहते हैं, सेकंड टारगेट पे अचीव होने पे आप 20%, आपके अकॉर्डिंग आप जितनी क्वांटिटी भेजना चाहते हैं, मल्टीपल टारगेट यूज़ कर रहे हैं आप। इसी प्रकार आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। API ब्रिज की स्पेशल फीचर में से भी एक फीचर है कि आप API ब्रिज में क्वांटिटी को अगर आप ब्लैंक छोड़ दें तो आप डायरेक्टली अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म से क्वांटिटी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पहले जाइए ट्रेड स्टोर पर, फिर चार्ट ब्रिज सेलेक्ट करिए, लॉगिन करें अपने ID पासवर्ड से, डाउनलोड करिए चार्ट ब्रिज।